हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस क्लासेज में। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके आया है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मेरे पास एक हमने एक समरी निकाली है, मुझे डे बाय सेल्स यहाँ दिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 365 दिन या 366 दिन का सेल आप देख पा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसको चार्ट पे प्रेजेंट करना है, तो कैसे करें? अब इसको सिलेक्ट करके मान लीजिए कि हम लाइन चार्ट में यहां प्रेजेंट करते हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा तो बड़ा भी करते हैं, फिर भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, इस तरह से मंथली दिख रहा है। तो फिर मैं मंथली क्यों ना प्रेजेंट कर लूं, जो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करूं? तो मुझे देखने तो सारे हैं, लेकिन मुझे यूज करना है कि मुझे इस तरह से दिखे, पूरा दिखे, भले ही मंथ वाइज दिखे, एक एक मंथ का दिखे, लेकिन मैं पूरा मंथ के 31 दिन का देखना चाहता हूं। तो 12 महीने की 12 चार्ट मैं नहीं बनाना चाहता। दूसरी चीज, अभी तत्काल मान लीजिए कि आपको वीपीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग आता नहीं है, तो कोई कोडिंग शोडिंग भी आप नहीं कर सकते, तो इसको हम यूज करेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला से। अब बहुत ही मजेदार टॉपिक है, अंत तक देखिएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, सर, जो कि आपकी ऑफिस के अंदर रिपोर्ट विजुलाइजेशन में काम आए। तो मैंने मैनुअली यहां पे 1 डाला, यहां पे लगाया फॉर्मूला ऑफसेट का। ऑफसेट में मैंने इसको सेलेक्ट किया, रो नंबर इसको सेलेक्ट किया, कॉलम को 0 कर दिया। अब A1 को मैं फ्रीज कर देता हूं ताकि जब नीचे ड्रैग करूं तो A2 ना बने। अभी हमारी डेट आ गई, अब नीचे ड्रैग करते हैं तो ये आपके यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फ्रीज नहीं किया F3 को, तो मुझे F3 को भी फ्रीज करना पड़ेगा। अब नीचे ड्रैग करता हूं तो सम 1 आ रहा है। अब यहाँ पे 2 जनवरी लाने के लिए, यहाँ का 2 जो डेट है इसको लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पे +1, फिर इस पे +2, यहाँ पे +3, तो ऐसे 31 तक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है रो का, वो फॉर्मूला जिसमें लगता है ना उसमें देता है जी जी उस रो नंबर देता है, और मैं सेम रो नंबर को माइनस कर दूं 0 आएगा। अब नीचे तक ड्रैग करूंगा 0 1 2 3 4 5 आएगा। अब इसी मेथड को मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। जी हाँ, प्लस रो और -5, अब नीचे तक हम ड्रैग करते हैं, कहां तक? 30 तक, यहां 31 जो भी होगा। अब बोले से 31 आगे फरवरी में कम है, तो आगे इसमें हम फॉर्मूला वगैरह लगा देंगे। अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट ज्यादा नहीं करते, क्योंकि वीडियोस मेरे हर रैंक के लोग देखते हैं ना, इसलिए कॉम्प्लिकेट ज्यादा नहीं करता। यहाँ पे जस्ट जो हमने कॉलम नंबर 1 0 डाला है, सो 1 कर दिया ताकि ये अगली कॉलम सेल्स की कॉलम का डेटा उठा ले, नीचे तक ड्रैग कर। अब इसके ऊपर मैंने लगाई चार्ट, इंसर्ट लाइन चार्ट ही ले लेता हूं मैं, और इसको रखता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और थोड़ा सा इसको क्लिक कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं पूरा मंथ का चार्ट आ रहा है। पर नेक्स्ट मंथ का क्या करें? तो डेवलपर टैब में, अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है तो यहां ऑप्शन पे जाइएगा, कस्टमाइज रिबन पे आइएगा और डेवलपर टैब यहां से क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। डेवलपर टाइम में अब नीचे वाले पे मत जाइए, यहां पे कोडिंग करना पड़ेगा। ऊपर वाले में यहां देखते हैं स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार के लीजिए और ड्रैग कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के बाद में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है सर। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और इस फॉर्मेट कंट्रोल में मिनिमम वैल्यू मैंने 1 डाल दिया, मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए मैंने डाल दिया 366, और यहां पे एक क्लिक होने पे हमने 30 का इंक्रीमेंट डाल, और जो सेल लिंक है जहां पे मैनुअली 1 लिखा था इसको क्लिक कर देन। अब क्या होगा कि अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे 30 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 ऐड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से, इसमें 30 ऐड नहीं किया था मैंने,
परचेज। अच्छा ये पर चेन 10 नहीं, यहां पर 30 कर। अरे बिल्कुल, हर मंथ का डेटा दिखा है, तो यहीं से आप देख सकते हैं एक ही चार्ट के ऊपर आपने 12 महीने का डेटा यहां पे आपने कर दिया। अब यहां पे भी कर सकते हो कि यहां पे जो है आप इसको मर्ज कर दीजिए, मर्ज करके यहाँ जैन दे दीजिए, यहाँ मर्ज करके फैब दे दीजिए, मार्च दे दीजिए, इस तरह से 12। जब इस पे क्लिक कीजिए तो पता चल जाएगा ना कि हाँ यहाँ पे क्या आता है, फैब का आता है, यहाँ पे कैसा आ रहा है, मार्च का आ रहा है, यहाँ पे अप्रैल का आ रहा है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा मंथ है, और यहाँ पे सारे मंथ के नेम लिख दीजिए अगर पॉसिबिलिटी है तो, और यहाँ पे डेट दिख जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड विथ एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेज है, हमारे क्लासेज में इस तरह के डैशबोर्ड्स बनाना, इसके इसके अंदर फॉर्मूले, जो डेटा है इस डेटा को इसमें कन्वर्ट करना, इसके एडवांस फॉर्मूले सब कवर की जाती है। हमारे पास दो तरह की क्लासेज है, एक क्लासेज है वन टू वन क्लासेज, जो कि दिन में कभी भी आप मेरे साथ ले सकते हैं, एक से दो बच्चे एक बैच में होता है, जिसकी फीस आपको पड़ेगी टोटल 10,000 रुपीज। जी हाँ, लेकिन उसी बैच को अगर ग्रुप क्लास में लेते हैं उसी सेम टॉपिक को, तो ग्रुप क्लास 35 डेज का होगा, डेली 1 घंटे की क्लासेस होगी, एमएस टीम्स के साथ मेरे साथ लाइव होगा, साथ में क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और साथ में जो फाइल्स और डेटा वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर में कंप्लीट एक्सेल 2021, 300 से ऊपर फॉर्मूला, बेसिक टू एडवांस, डैशबोर्ड एंड डेटा एनालिसिस कुछ एग्जांपल, एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन कुछ एग्जांपल, और रियल टाइम डेटा और एग्जांपल प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, ये बैच स्टार्ट हो रही है 26 अगस्त सुबह 7 बजे। जी हाँ, महीने में एक बैच स्टार्ट हो रही है, तो अभी जो है 26 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, जिसकी फीस 10,000 है, बट इसमें ग्रुप बैच होने के कारण 8,000 का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको पे करना है सिर्फ 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 2,000 रुपए। जी हाँ, तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए और अपना सीट बुक कीजिए, क्योंकि सिर्फ 12 लोगों का सीट है और मेरे चाहने वाले बहुत है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।